मालपुरा टोडा रायसिंह विधानसभा क्षेत्र के जनसेवक घासीलाल चौधरी, आदिशक्ति भवानी सिंधोलिया माता जी की पावन कृपा, माता पिता का आशीर्वाद और जनता जनार्दन के सहयोग से मालपुरा टोडा रायसिंह के नवनिर्माण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जन जन के लाडले घासीलाल चौधरी ने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के प्रोत्साहन और सम्मान के साथ टोडा मालपुरा के युवाओं के उज्जवल भविष्य निर्माण, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ाने और महिला सशक्तिकरण के साथ जन कल्याण के कार्य करने के लिए सोच और विजन जनमानस के बीच रखा है। मालपुरा टोडा राइजिंग विधानसभा क्षेत्र में 263 राजस्व ग्राम और 60 ग्राम पंचायतों के साथ 2 नगर पालिकाओं को मिलाकर 6,00,000 से अधिक की आबादी है और 2,50,000 से ज्यादा मतदाता है जो विधायक चुनकर मालपुरा टोडा रायसिंह के भविष्य का फैसला करते हैं। इस बार घासीलाल चौधरी के नेतृत्व में मालपुरा टोडा का स्थानीय विधायक बनाने का जनता ने संकल्प लिया है। टोडा मालपुरा की जनता के लिए समर्पित घासीलाल चौधरी का जन्म कुहाड़ा गांव में पिता श्री भंवरलाल और माता श्रीमती चंदनी देवी के घर पे हुआ। संघर्ष और अभाव में पले बड़े घासीलाल चौधरी शुरू से ही शालीन और रचनात्मक प्रवृत्ति के रहे हैं। घासीलाल चौधरी ने पढ़ाई पूरी करने के बाद 1991 से 96 तक नौकरी की। 1997 में व्यावसायिक क्षेत्र में कदम रखते हुए स्टील के बिजनेस की शुरुआत की। वर्तमान में 2 बड़ी कंपनियां निर्माण इंफ्रा स्टील प्राइवेट लिमिटेड और निर्माण TMT स्टील प्राइवेट लिमिटेड का संचालन कर रहे हैं, जहां हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं और देश प्रदेश के निर्माण और विकास में अहम भागीदारी निभा रहे हैं। सर्वप्रथम कक्षा 6 में पढ़ते हुए सिंधोलिया माता के दरबार में एक विद्यार्थी के रूप में पहुंचे घासीलाल चौधरी जीवन में सफल होकर मालपुरा टोडा की जनता के लिए बड़ा कार्य करने का संकल्प ले चुके हैं। घासीलाल चौधरी वर्ष 2005 से कोड़ी दिव्यांग बच्चों के लिए सेवा कार्य कर रहे हैं एवं मातृभूमि सेवा मिशन के राजस्थान प्रांत के संयोजक भी हैं। इन विशिष्ट सेवा कार्यों के लिए वर्ष 2015 में मॉरिशस के राष्ट्रपति ने घासीलाल चौधरी को सेवा सम्मान से विभूषित किया है। कोरोना महामारी के दौर में पीड़ित मानवता की सेवा के लिए जनसेवक घासीलाल चौधरी ने 1 करोड़ रुपए से अधिक के राशि की दवाइयां, खाद्य सामग्री, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जैसे सेवा कार्यों में समर्पित करके मानव सेवा का श्रेष्ठ उदाहरण पेश किया है। टोडा मालपुरा के सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यों में भी घासीलाल चौधरी का अभूतपूर्व योगदान रहा है। डिग्गी का सामूहिक विवाह सम्मेलन हो या फिर छात्रावासों के निर्माण और विकास की बात हो, सदैव घासीलाल चौधरी ने तन मन धन से सहयोग किया है। पिछले 35 वर्षों से टोडा मालपुरा विधानसभा में बाहरी विधायकों का दखल रहा है, जिससे टोडा मालपुरा अपने विकास की वास्तविक गति में काफी पीछे छूट गया है। इसी दर्द को महसूस करते हुए जनता के अपार समर्थन व सहयोग से घासीलाल चौधरी ने मालपुरा को राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का मजबूत इरादा तय कर लिया है। जन सेवक घासीलाल चौधरी ने मालपुरा को जिला बनाने के लिए तन मन धन से शानदार प्रयास भी किए हैं और मालपुरा जिला बनाने को लेकर मेरी धरा मेरा मालपुरा के तहत 1,00,000 से अधिक हस्ताक्षर अभियान चलाकर जनमानस की भावनाओं को सरकार तक पहुंचाया है। मालपुरा टोडा के औद्योगिक विकास को लेकर उद्योग क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले घासीलाल चौधरी ने 5 नए रिको एरिया विकसित करके रोजगार बढ़ाने और प्रतिवर्ष युवा रोजगार मेले का आयोजन करना भी सुनिश्चित किया है। साथ ही 50 नए इंदिरा आजीविका सेंटर खोलकर युवाओं को रोजगार
और रचनात्मक कार्यों से जोड़ा जाने का विजन भी घासीलाल चौधरी ने रखा है। साथ ही मालपुरा में महिला बिजनेस फोरम की भी स्थापना की जा रही है, जो महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा और सराहनीय कदम है। मालपुरा टोडा रायसिंह क्षेत्र के युवाओं को शिक्षा के साथ मजबूत स्वास्थ्य को लेकर भी जगह जगह फिटनेस सेंटर खोलने और गांव गांव में खेल मैदान को विकसित करने की सुनियोजित योजना घासीलाल चौधरी लागू करने जा रहे हैं। प्रतिवर्ष हजारों बालिकाओं को मार्शल आर्ट की मुफ्त में ट्रेनिंग देकर उन्हें सेल्फ डिफेंस से जोड़ा जाएगा और 25 नए पिंक टॉयलेट बनाकर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने की भी योजना है। मालपुरा विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों की हालत बहुत खस्ता है, तो घासीलाल चौधरी ने गड्ढा मुक्त सड़कें और अतिक्रमण मुक्त सुगम रास्तों का लक्ष्य तय किया है। गांव गांव तक रोडवेज बसों का परिवहन भी सुनिश्चित किए जाने की योजना बनाई जा रही है। घासीलाल चौधरी का विजन है कि मालपुरा टोडा रायसिंह में धार्मिक और पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, अतः इन ऐतिहासिक स्थलों का जीर्णोद्धार और रखरखाव करते हुए इनके ब्रांडिंग प्रमोशन से देश प्रदेश के श्रद्धालुओं और पर्यटकों को जोड़ा जाए, जिससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और हमारी विशेष पहचान भी प्रदेश भर में बनेगी। मालपुरा टोडा रायसिंह विधानसभा क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को लेकर 21,000 से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य तय कर लिया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करते हुए ट्रोमा हॉस्पिटल भी बनेगा। घासीलाल चौधरी ने मालपुरा में बड़े आयोजनों के लिए सभागार निर्माण करवाने का दृढ़ संकल्प लिया है और पत्रकारों के लिए गेस्ट हाउस होगा, जो संपूर्ण राजस्थान में किसी भी विधानसभा क्षेत्र का ये पहला अनूठा नवाचार है। युवाओं को सरकारी सेवाओं से जोड़ने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ आर्मी पुलिस के फिजिकल की भी समुचित व्यवस्था की जा रही है। घासीलाल चौधरी गांव गांव ढाणी ढाणी में जनसंपर्क अभियान के तौर पर टोडा मालपुरा विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक राजनीतिक शैक्षणिक और सांस्कृतिक जनचेतना का बड़ा कार्य कर रहे हैं। आप भी मालपुरा टोडा रायसिंह के नवनिर्माण में विकास के लिए कदम से कदम मिलाकर घासीलाल चौधरी के साथ आगे बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो।